आपको फुल्ली नेकेड स्ट्रीट फाइटर लुक्स में देखने को मिल जाती है। स्मार्ट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर्स भी देखने को मिल जाती है। यूपी एपेक्स मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाती है। कैटेन एडवेंचर 390 में आपको स्प्लिट सीट देखने को मिल जाती है। हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुर नितिन, यू आर वाचिंग नाउ अबाउट योर मशीन। अगर आप KTM फैन हो और आपको एक पावरफुल एडवेंचर टोरिंग मशीन चाहिए तो आप KTM एडवेंचर 390 की तरफ जा सकते हो। इस वीडियो में हम KTM एडवेंचर 390 के बारे में डिटेल्स में बात करने जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द लुक्स, लुक्स के बारे में बात करें तो KTM एडवेंचर 390 आपको फुल्ली नेकेड स्ट्रीट फाइटर लुक्स में देखने को मिल जाती है। कलर के बारे में बात करें तो KTM एडवेंचर 390 आपको टू डिफरेंट कलर वेरियंट में देखने को मिल जाती है, जहाँ आपको ऑरेंज और व्हाइट कलर देखने को मिल जाती है। लाइटिंग के बारे में बात करें तो KTM एडवेंचर 390 में आपको फ्रंट में LED DRL के साथ LED हेडलैम्प और LED इंडिकेटर्स देखने को मिल जाती है, और उसी के साथ आपको रियर में LED टेल लैम्प के साथ LED इंडिकेटर्स भी देखने को मिल जाती है। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के बारे में बात करें तो KTM एडवेंचर 390 में आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखने को मिल जाती है, जहां पे आपको स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, टेकोमीटर, फ्यूल गॉज, टेम्परेचर इंडिकेटर, डेट टाइम, बैटरी वोल्टेज और स्मार्ट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर्स भी देखने को मिल जाती है। उसके अलावा बाइक में आपको लेफ्ट राइट इंडिकेटर, इंजन मालफंक्शन, ABS, न्यूट्रल, लो बीम, हाई बीम, RPM लिमिटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, एक्सक्लेमेटरी साइन और हाई टेम्परेचर वार्निंग लाइट देखने को मिल जाती है। हैंडल बार के बारे में बात करें तो KTM एडवेंचर 390 में आपको लेफ्ट हैंडल बार में पासिंग स्विच, लो बीम, हाई बीम, TFT डिस्प्ले कंट्रोलर, लेफ्ट राइट इंडिकेटर और हॉर्न स्विच देखने को मिल जाती है, और उसी के साथ आपको राइट हैंडल बार में इंजन किल स्विच और इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्विच देखने को मिल जाती है। फ्यूल टैंक के बारे में बात करें तो KTM एडवेंचर 390 में आपको 14.5 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, और अगर माइलेज के बारे में बात करें तो KTM एडवेंचर 350 में आपको 20 से लेकर 32 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देखने को मिल जाती है। इंजन के बारे में बात करें तो KTM एडवेंचर 390 में 373 cc की सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड VS6 कंप्लायंट इंजन देखने को मिल जाती है। उसी के साथ बाइक में आपको 43.5 PS की मैक्सिमम पावर और 37 न्यूटन मीटर की मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिल जाती है। गियर बॉक्स के बारे में बात करें तो KTM एडवेंचर 390 में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वाला गियर बॉक्स देखने को मिल जाती है, और अगर टॉप स्पीड के बारे में बात करें तो KTM एडवेंचर 390 में आपको 162 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देखने को मिल जाती है। सस्पेंशन के बारे में बात करें तो KTM एडवेंचर 390 में आपको फ्रंट में WP Apex 43 सस्पेंशन और रियर में WP Apex मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाती है। ब्रेकिंग के बारे में बात करें तो KTM एडवेंचर 390 में आपको डुअल चैनल ABS के साथ डुअल डिस्क देखने को मिल जाते हैं, जहां पे आपको स्विचेबल ABS देखने को मिल जाती है। टायर्स के बारे में बात करें तो KTM एडवेंचर 390 में आपको फ्रंट में 100x90 सेक्शन की 17 इंचेस वाला और रियर में 130x80 सेक्शन की 17 इंचेस वाला ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाती है। व्हील टाइप के बारे में बात करें तो KTM एडवेंचर 390 में आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाती है। सीट हाइट के बारे में बात करें तो KTM एडवेंचर 390 में आपको 855 mm की सीट हाइट और उसी के साथ आपको 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस और 158 kg की कार्गो वेट भी देखने को मिल जाती है। एग्जॉस्ट के बारे में बात करें तो KTM एडवेंचर 390 में आपको राउंड शेप एग्जॉस्ट देखने को मिल जाती है, और अगर सीट टाइप के बारे में बात करें तो KTM एडवेंचर 390 में आपको स्प्लिट सीट देखने को मिल जाती है। सीट कुशनिंग के बारे में बात करें तो KTM एडवेंचर 390 आपको एक एडवेंचर सीरीज का मोटरसाइकिल देखने को मिल जाती है, जहां पे आपको कंफर्टेबल सीट कुशनिंग भी देखने को मिल जाती है। उसके अलावा बाइक में आपको ओपन चेन, एल्युमिनियम स्विंगम, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर, लेग गार्ड, इंजन काउल और स्लीपर कच भी देखने को मिल जाती है। प्राइसिंग के बारे में बात करें तो KTM एडवेंचर 390 आपको 313,444 rupees की एक शोरूम प्राइसिंग में और 340,288 rupees की ऑन रोड प्राइसिंग में देखने को मिल जाती है। सो आई होप कि मैं सारी टॉपिक अच्छे से कवर कर पाया हूँ। फिर भी अगर कोई टॉपिक रह गया हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पे बता देना। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पे नया हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और अगर आपको बाइक से रिलेटेड ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रख सकते हो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।